हे लवर्स, कैसे हो? आज मैं बताऊंगी कि ए और पी दोनों की जोड़ी कैसे होती है। अल्फाबेट ए और अल्फाबेट बी से जो भी प्यार करने वालों का नाम शुरू होता है वो काफी लड़के होते हैं, क्योंकि ना एक तो बहुत साइलेंट होता है और एक होता है प्यार को इजहार करने वाला। काफी अच्छी जुगलबंदी होती है इन दोनों में। इनका कंपैरिजन किसी और जोड़ी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चाहे कितने भी मुश्किल समय में क्यों ना हो, ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। जिनका नाम ए से शुरू होता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं एक अच्छा पार्टनर प्रूफ होते हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनके लिए रिश्ता बहुत जरूरी होता है और ये भले ही अपने आप को किसी भी सिचुएशन में पाए, लेकिन हाँ, अपने प्यार को कभी भी एहसास नहीं होने देते हैं कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके लाइफ में। वो चाहते हैं कि उसका पार्टनर ऑलवेज खुश रहे, इसलिए कभी उससे अपना दुख जल्दी नहीं बांटते। ए नेम वाले जो हैं वो रोमांस शो नहीं करते ज्यादा, बट वो प्यार बहुत करते हैं। उन्हें हर चीज में पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती कि मैं हर चीज दिखा के कहूँ, हर चीज बता के करूँ। वो जिससे प्यार करते हैं ना, उसे प्यार करना ही चाहते हैं, वो दिखावा नहीं करना चाहते, इसलिए हर जगह वो शो ऑफ नहीं करते हैं। देखो, ए नेम वाले जो प्रॉमिस करते हैं अपने पार्टनर से, वो उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ जल्दी नहीं देती। इस वजह से कभी कभी हो जाता है कि प्रॉमिस पूरा करने में डिले हो जाए, बट ये प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन इस चक्कर में होता है कि वो बहुत सारी बातें भी सुनते हैं अपने पार्टनर से कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस नहीं निभाया, बट वो पूरी कोशिश करते हैं। कभी भी अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। ऑलवेज चाहते हैं कि उसका पार्टनर खुश रहे। वहीं पी नेम वालों के साथ इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा जमती है। पी नेम वाले जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा अपने पूरे परिवार का और अपने रिश्तों का ख्याल करने वाले होते हैं। इस वजह से ए बंदे के साथ इसकी जोड़ी काफी अच्छी जमती है। पी नेम वाले थोड़ा सा मुफ्त होते हैं। उनको जो पसंद है सो पसंद है, जो उसकी नजरों से उतर गया सो उतर गया, वो कोई दिखावा नहीं कर सकते। हाँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन अगर तुम्हें उस चीज का बुरा लगता है तो मे बी वो सॉरी भी बोल देंगे, बट हाँ, अगर तुम्हारी गलती है तो वो तुम्हें कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। और कभी अगर मिस्टेक हो गया तो वो अपने पार्टनर के लिए तो सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन अगर उसके पार्टनर को किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, यानी कि तो फिर उसके लिए वो कभी किसी को माफ नहीं करेंगे। पी नेम वाले इजिली किसी को प्रॉमिस नहीं करते, और वो क्या सोचते हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, उसको वो किसी से नहीं बताते। इसीलिए कभी कभी ए नेम वालों को डाउट होता है कि शायद ये मुझे प्यार करता है या फिर नहीं, या फिर ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तो ए और पी के बीच में थोड़ा सा डाउटनेस हमेशा रहता है, लेकिन हाँ, इस चीज को आप जब समय आता है तब वो जताते भी हैं। जैसे कि अगर मुश्किल वक्त आए तो ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं और एक दूसरे को बिना बताए ही भी वो सारी चीजें करते हैं जो एक रिलेशनशिप में करना चाहिए। ये एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। पी नेचर वाले ज्यादा केयरिंग होते हैं। ए नेचर वाले जो है ना, जताना इनको नहीं आता, बट पी नेचर वाले फुल एक्सप्रेशन वाले होते हैं। वो हमेशा अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पी नेम वालों को दुनिया से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है उनके चाहने वाले से, यानी कि जिनको वो पसंद करते हैं, जिसको जो उनको पसंद करते हैं। इसलिए फालतू की बातों में इन्वॉल्व नहीं होते, प्यार और केयर उनमें होता है। इन दोनों के बीच में, यानी ए और पी के बीच में, कभी कभी लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन ए नेम वाले देखा गया है कि ज्यादा मनाते हैं। ए और पी वाले अगर शादी करना चाहते हैं तो इनका लव परसेंट 89% होता है। बाकी ये एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जो इनकी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि आपकी जोड़ी बहुत ही यूनिक होगी। क्या आप भी एक दूसरे से शादी करने का प्लान बना रहे हैं और आपके नाम ए और पी से शुरू होता है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जी हाँ, शेयर जरूर करना अपने लव वन से इस प्यारे से वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।